आज मसाला किचन में बन रही है बेडमी आलू की सब्जी। ये क्रिस्पी इतनी होती हैं कि कितनी भी देर आप रख दोगे ना, इनकी फुलावट कम नहीं होती। ये बहुत ज़्यादा बलून की तरह नहीं फूलती, लेकिन जितनी फूलती हैं बस वैसी ही क्रिस्पी बनी रहती हैं। यूपी की बहुत ज़्यादा फेमस है बेड़े आलू की सब्जी, मथुरा की फेमस है डुबकी वाले आलू। तो आज डुबकी वाले आलू के साथ ये बेड़े ही बनाई है, बहुत ही अच्छी लगेगी। ये बिना प्याज बिना लहसुन की बहुत ही अमेजिंग है। रसा ज़्यादा बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें जब हम कचौड़ी या बेड़े ही डालते हैं ना, तो ये डुबकी जैसे लगाते हैं ना, उस तरीके से रसा होता है, इसलिए इसको डुबकी वाले आलू भी कहा जाता है। आपके यहाँ इसे बेड़मी बोला जाता है या बेड़े ही बोला जाता है, ये मुझे भी नहीं पता, पर आप ज़रूर बताइएगा। तो इसे हम बनाएंगे कैसे, पहले वो देख लेते हैं। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। अब सबसे पहले हम इस बेड़ई का बना रहे हैं मसाला, जो अंदर हम फिल करने वाले हैं। आधी कटोरी मैंने उड़द दाल भिगा दी है, और 2 से 3 चम्मच मैंने मूंग दाल भिगाई है। दोनों को मैंने इकट्ठा लिया है, आप चाहें तो 3/4 कप टोटल ही एक कोई दाल ले सकते हैं, पर दोनों को डालेंगे ना स्वाद ज़्यादा अच्छा आएगा। और यहाँ पर मैंने कुछ टुकड़े अदरक के, और ये मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी हैं। सौंफ खूब सारा डालिए, कम से कम 2 से 3 चम्मच। काली मिर्च 20 से 25 डाल दीजिए, चिली फ्लेक्स डाल दीजिए या फिर सूखी साबुत लाल मिर्च डाल दीजिए। यहाँ मैंने डाल दिया है सूखा साबुत धनिया, थोड़ी सी कसूरी मेथी, यहाँ डाल दिया मैंने नमक, यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग, हींग टुकड़े वाली है तो मैंने यहाँ छोटा सा टुकड़ा डाल दिया है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और अब डाल दीजिए आमचूर पाउडर। इन सारे मसालों को एक साथ ही आप मिक्सी में चर्न कर लीजिए, इससे हमारी मेहनत बचेगी। और इसे हमें दरदरा कूटना है, बिल्कुल प्लेन नहीं करना, पानी नहीं होना चाहिए। चलिए, अब चाहें तो इसे खूब सारे ऑयल में सेक सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि बेड़े या बेड़मी जो भी होता है, वैसे ही हमें डीप फ्राई करनी होती है, तो एटलीस्ट हमें जो इसका मसाला बनाना है वो हमें बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनाना है। तो यहाँ पर आप कोई भी पैन ले लीजिए, सिर्फ 1/2 चम्मच ऑयल डाल दीजिए, और क्या करिए इसमें ये मसाला डाल के, थोड़ा सा चिपकेगा लेकिन पक जाएगा। 1 चम्मच बेसन डालना बिल्कुल ना भूलें। बेसन इसलिए डाला जाता है कि दाल का जो भी मॉइस्चर हो वो उसमें एब्जॉर्ब कर ले बेसन, ताकि ये गीला ना हो मिश्रण। और ये थोड़ा सा सेक लीजिए, 3-4 मिनट स्लो गैस पर सेक लीजिए, बस बहुत ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, इसका मॉइस्चर ख़त्म करना है। अब एक बोल में निकाल लीजिए, इसे ठंडा कीजिए। अब बनाते हैं हम इस बेड़मी का आटा, जिससे वो उसको भी रेस्ट मिल जाएगी ना, फिर हम बनाएंगे आलू की सब्जी। 1 कटोरी मैंने डाल दिया गेहूं का आटा, और 1/4 कटोरी ही मैदा, बस मैदे को स्किप कर सकते हैं पूरी तरीके से। इसमें 1/4 कटोरी डाल दिया मैंने सूजी, 2 चम्मच भर के आप डाल दीजिए रिफाइंड ऑयल, और यहाँ डाल दीजिए कसूरी मेथी, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा लाल मिर्च, बस और कुछ मत डालिए इस कवरिंग में, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। बेड़े को खास तरीके से मैंने बनाया है, खास तरीके की नाप से मैंने जो आटे डाले हैं उसे आप इसी तरीके से गूंथिए। गूंथने में आपको ध्यान ये रखना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, बहुत ज़्यादा लूज नहीं होनी चाहिए। सेमी ड्राई आपको आटा गूंथना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लूज गूंदेंगे तो वो बेड़मी जैसी तो नहीं बनेगी, और हाँ अगर बहुत ज़्यादा टाइट कर देंगे तो जो फिलिंग हमने बनाई है ना वो निकल जाएगी, तो वो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए आपको नॉर्मल रखना है इसको। इसको पानी से गूंथ के हमने इस तरीके से रखा है, लास्ट में थोड़े ऑयल से प्लेन करके इसे रेस्ट दे दीजिए। यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसे रेस्ट भी दी। अब चलते हैं उसी बेड़मी को, उसी बेड़ई को निकाल कर उसका आटा जो है ना उसको थोड़ा सा ठीक और कर लेते हैं। अब इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेते हैं। इतने मिश्रण में करीब करीब 9 से 10 बेड़ई बन जाएंगी। आपको पता है ना, बाहर खाने में एक तो डर भी लग रहा है इस वक्त, पता नहीं क्या हो, और हम आराम से घर में जब बना सकते हैं तो हम क्यों बाहर भटकें। अब इसे थोड़ा थोड़ा बेलिए और अलग रखते जाइए। कभी कभी आप बहुत सारी बना रहे हो किसी के लिए और आपके पास टाइम नहीं है, तो यहाँ पर मैं आपको एक और भी बात बताऊँगी। आटा गूंथते टाइम जो हमें पानी की ज़रूरत पड़ी थी ना, पानी न डालकर ये जो दाल हमने ऑलरेडी जब बिना सेके
पीसी थी, तो उसी दाल से पूरा आटा अगर आप गूंथ लेंगे तो वो भी कभी कभी बनाने का बड़ा मन करता है। उसमें ना भरने का झंझट ना कोई टेंशन, बस बेलते जाओ और क्रिस्पी सी पूरी दाल वाली बनाते जाओ। तो ऐसे भी आप बना सकते हो। तो यहाँ तो हमने दाल को सेका था थोड़ा सा, तो अब हम तो इसे भरेंगे। तो जब मैंने छोटी छोटी बेल दी ना, तो अब इसे बीच में थोड़ा सा भर दीजिए और चारों तरफ से इसे फोल्ड करके इस तरीके से पैक कर दीजिए। अब इस लोई को जब हम बना रहे हैं ना, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा कि ये थोड़ी लोई जो बनेगी ना फ्लैट होनी चाहिए। फ्लैट नहीं होगी ना, अगर गोल होगी तो जब भी आप बेलेंगे तो ये फट जाएगी। इस बात का खास ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे मसाले हैं ना अंदर, तो ये कहीं ना कहीं फाड़ सकती है। तो आपको क्या करना है, हाथों से पहले लोई बना के इसको फ्लैट सा करना है। ये छोटी सी ट्रिक है पर बहुत अच्छी है, बना के ज़रूर देखिए। ये देखिए, अब हमने ये जो भर दिया था ना, अब फ्लैट था ना, तो बिल्कुल टेंशन नहीं हुई। अब इसे बेलते जाइए, थोड़ी सी मोटी बेलेंगी पर बहुत अच्छी बनेगी, चाहे तो पूरी लंबी या तो गोल, जैसा भी आपका मन करे। जब कभी हमारे घर में ज़्यादा मेहमान है या ज़्यादा जने घर में खाने के लिए बैठे, हम अकेले बना रहे हैं, तब आपको मैं एक और ट्रिक भी बताऊँगी कि क्या हम कर सकते हैं। अब इन सारी बेड़ई को हमने बेल के रख दिया है, चाहे तो आप फ्रिज में भी रख दीजिए, तो ये ऑयली नहीं बनती हैं। वैसे मैं अभी फ्रिज में नहीं रख रही हूँ, पर आपका कभी मन हो, आपके पास टाइम कम हो, तो पहले से ही बेल के फ्रिज में रख दीजिए। चटनी बनाने के लिए यहाँ पुदीना और धनिया ले लीजिए मिक्सी के जार में, अदरक हरी मिर्च ले लीजिए, ये स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और पीस लीजिए। ये देखिए, एक पेस्ट सा बन गया है ग्रीन कलर का। आप कभी कभी चाहें तो इसमें ना थोड़ा पालक भी डाल सकते हैं, मूली के पत्ते भी डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी बनेगी। चलिए, अब एक पैन में या कढ़ाई में, जिसमें भी आप बनाना चाहें, मैं बहुत ज़्यादा तेल वाली नहीं बना रही हूँ, कई लोग ये बहुत तेल वाली बनाते हैं पर वो खाई नहीं जाती है। बस 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दीजिए और इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा जीरा, थोड़े से लौंग और कसूरी मेथी, 1 तेज़पत्ता, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, बस ये मसाला जले नहीं, फटाफट से ये पेस्ट ये डाल दीजिए। बस अब इसे पकाइए। अगर इसमें हम थोड़ी जल्दी नहीं करते ना, तो क्या होता पता है कि ये जल जाता मसाला। अब यहाँ पर मैंने डाल दिया थोड़ा हींग वाला पानी, हींग को मैंने घोल के रखा था तो उसका पानी डाल दिया। अगर नॉर्मल हींग है तो जीरे के साथ डाल दीजिए। अब ये सब होने के बाद इसमें बाकी के मसाले डालेंगे, जैसे मैंने डाल दिया यहाँ 2 चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार पूरी सब्जी का नमक, जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, थोड़ा सा काला नमक। बस अब सारे मसाले ऑलमोस्ट डल गए हैं और इन्हें पका लीजिए। अब डाल दीजिए आलू। यहाँ मैंने 3 आलू लिए हैं, जिन्हें मैंने अनइक्वल सा ऐसे हाथों से क्रश कर लिया है। इसमें क्या होगा, ये डुबकी वाले आलू, कहीं तो बिल्कुल मैश्ड आलू, कहीं बहुत मोटा सा आलू, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। ये बॉयल आलू है। अब उसमें डाल दीजिए खूब सारा पानी। जब आलू अच्छे से आपने पका लिया है ना मसालों के साथ, अब पानी डालने में कोई कसर नहीं, अच्छे से डाल दीजिए पानी, क्योंकि काफ़ी रसेदार चाहिए। अब पानी डालने के बाद इसे कवर कीजिए, स्लो गैस करिए और कम से कम इसे 7 से 8 मिनट तक स्लो गैस पे पकाइए। ये लीजिए, परफेक्ट पक चुकी है और इसका रसा भी बहुत बढ़िया हो गया है। अब डाल दीजिए आमचूर पाउडर और काली मिर्च पाउडर, ये डालना बिल्कुल ना भूलें। अमचूर पाउडर से थोड़ी खटास आती है और थोड़ा काली मिर्च से तीखापन गले में लगता है, वही होना चाहिए। चाहे तो थोड़ा सा आप चीनी पाउडर डाल सकते हैं, कई घरों में पसंद करते हैं। थोड़ी सी डाल दिया मैंने हरा धनिया। ये सब्जी बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। अब चलते हैं बेड़े की तरफ। मैंने आपको एक ट्रिक ये बताई थी कि जब मेहमान आए तो बना के आप फ्रिज में रख दीजिए। दूसरी ट्रिक ये है कि पहले आप तेज़ फ्लेम करिए, उसके बाद क्या कीजिए, इस बेड़े को हल्का सा तल के निकाल लीजिए। फूलना फुलाना कुछ नहीं, बस हल्का सा तल के निकाल लीजिए। ऐसी ढेर सारी बना के रख लीजिए, फिर आपको जब सबको सर्व करना है, बस तेज आंच पे दोबारा डाल के फिर से फुला लीजिए। बढ़िया बनती है ये बेड़े, कोई
टेंशन ही नहीं है। ठीक इसी तरीके से थोड़े दिन पहले मैंने राजस्थान की स्पेशल मावा कचौड़ी आपको दी थी रेसिपी, उसमें भी मैंने ऐसा ही बताया था कि पहले आप फ्राई कर लीजिए, देन उसके बाद आप आराम से स्लो गैस पे करिए। लेकिन इसे तो हमें स्लो गैस पे भी नहीं करना है, मीडियम, लो टू मीडियम पे बाद में पकाना है। पहले तेज आँच पे फुल फ्लेम पे इसे हल्का सा तल लीजिए, जैसे ही ये तल जाए उसके बाद आप लो टू मीडियम कर दीजिए और फिर कम से कम इसे 3-4 मिनट तक सेक के क्रिस्पी कर दीजिए। ये मैंने पहली बार एक डाली है, बाद में आप 2-2, 3-3 डाल सकते हो। तो ये ट्रिक से क्या होता है कि अगर आप घर में अकेले हो ना तो बहुत जनों को एक साथ खिला सकते हो। ये देखिए ये कितनी बढ़िया और क्रिस्पी बहुत है, ये ऑयली भी बिल्कुल नहीं लगेगी। खास बात यही है, इसमें सूजी डालना बिल्कुल न भूलें, सूजी डालने से बहुत ही बढ़िया बनती है। सूजी चाहे मोटी डालें या पतली, ये देखिए बढ़िया फूल रही है ना, बस इससे ज़्यादा हमें फुलानी भी नहीं है, ये बहुत ही परफेक्ट बनी है। इसका अच्छा गोल्डन कलर हो जाए तभी आप इसे निकालिए। ये देखिए इसी तरीके से मैं सारी बेड़मी बना लेती हूँ। अब हम इसे सर्व करते हैं जैसे हमें स्ट्रीट स्टाइल मिलती है ना, बिल्कुल वैसे ही मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप सब्जी और बेड़मी इस तरीके से डुबक डुबक के खाएंगे तो ये डुबकी वाले आलू हो गए और साथ में बेड़मी हो गई। अगर आप इसे किसी प्लेट में तोड़ के ऊपर से डाल रहे हैं तो वैसे भी खा सकते हैं। एक और बात, इसी आलू के साथ आप अगर कचौड़ी बना रहे हैं तो साथ में थोड़ी मीठी चटनी और खट्टी चटनी भी ले सकते हैं। तो बस ये तरीका है हमें सर्व करने का, बाकी सारा सब एक जैसा है। तो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मुझे ज़रूर बताया कीजिए आपको ये रेसिपी कैसी लगती है और आप ये बनाना पसंद करते हो कि नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी न कीजिए।